ठंडी आई ठंडी आई, हिना को दूर भगाई, हम तो न लगाएंगे भाई। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ व मस्त होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो भी जानकारी मिलेगी एकदम ऑथेंटिक और बेहतरीन कह सकते हैं वो मिलेंगी। तो शुरू करते हैं आज का। तो आज का ये समझिए कि इसके लिए मैं दो वीडियो बना सकती थी, लेकिन मैंने एक ही वीडियो में दोनों चीज़ें एकदम कंबाइन करने की कोशिश की है। और इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे ही ठंडी आती है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो मोस्टली मेहंदी लगाते हैं बालों में, जो हिना का एप्लीकेशन रेगुलर वे में करते रहते हैं, हम सबसे पहले सर्दी जुकाम इन सारे डर से मेहंदी को कर देते हैं साइड। क्यों कर देते हैं? क्योंकि भाई 3 घंटे सर में लगा के रखना, और क्योंकि मेहंदी की जो तासीर होती है वो एकदम ठंड वाली, ठंडक देने वाली होती है। इसलिए देखिए, जिनको ज़्यादा ठंड हम लोग को चाहिए गर्मी के दिनों में, तो लोग जो नहीं भी लगाते हैं वो भी गर्मियों में पसंद करते हैं अपने बालों में मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि उसकी तासीर इतनी ठंडक देने वाली है। तो सबसे पहले हमारा डर यही रहता है, क्योंकि जो अधिकतर ठंडे इलाकों में रहते हैं, कि हमें सर्दी जुकाम ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम सबसे पहले मेहंदी को कर देते हैं साइड। तो यह सब बिल्कुल मत करिए, क्योंकि देखिए सर्दियां 2-3 महीनों की होती हैं, और इन 2-3 महीनों में आपने जो इतनी लंबी तपस्या की है मेहंदी लगा लगा के, अपने बालों की क्वालिटी इतनी अच्छी की है, क्या आप इन 2-3 महीनों के लिए केमिकल यूज़ करने लगेंगे अपने बालों में? तो आप सोचिए आपके बालों का हाल क्या होगा। वैसे ही इतनी प्रॉब्लम्स है हम लोगों को बालों की, कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन हो रहा है, हर चीज़ हो रही है, लेकिन बालों की प्रॉब्लम 90% लोग फेस ही कर रहे हैं। तो ऐसा मत करिए, अपना तरीका चेंज करिए। नंबर 2, इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रही हूँ कि जो मेहंदी का जो ऑरेंजिश कलर आता है, उससे भी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग वो पसंद नहीं करते हैं, और फिर हम लोग और चीज़ों पे शिफ्ट हो जाते हैं कि ये केमिकल लगा लिया। ऐसा बिल्कुल मत करिए। हिना से भी मेहंदी से भी आप डार्क मरूनिश ब्लैक कलर पा सकते हैं, ये मेरी गारंटी आपको है, वीडियो पूरा देखिएगा। तो 2 वीडियो को मैंने एक साथ इसमें आप लोगों को मेहंदी से रिलेटेड 2 चीज़ों को बिल्कुल कंबाइन करके बताने की कोशिश की है कि ठंडियों में मेहंदी के एप्लीकेशन से बिल्कुल मत डरिए, आपको सर्दी जुकाम कुछ नहीं होगा। जो तरीका मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, बस वो तरीका फॉलो करिए, ना केवल आपको सर्दी जुकाम से लाभ मिलेगा, बल्कि आपके बालों में इतना अच्छा कलर आएगा जो आज से पहले कभी आपको मेहंदी लगाने पे नहीं आया है, और आपको हर जगह से कॉम्प्लीमेंट मिलेगा आपके कलर पूछने के लिए। हाँ, एक एप्लीकेशन में नहीं आएगा, इसको आपको कम से कम 3-4 एप्लीकेशन के बाद विजिबल रिजल्ट आपको अपने बालों में 100% दिखेंगे। कोई गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैं आपसे गारंटी ले सकती हूँ क्योंकि बिना मेहनत के कोई चीज़ नहीं मिलती है। तो कम से कम 3-4 बार लगाइएगा, फिर मुझे बताइएगा। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, शॉर्ट में आप लोग से करती हूँ मैं बात की। इसमें आज के प्रिपरेशन में, हिना प्रिपरेशन में जो भी चीज़ें ऐड हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आपके बालों के लिए 101% वरदान है। 101% आपको ठंडक बिल्कुल नहीं लगेगी, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। कि जो चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं, मैंने जब वो चीज़ें ऐड करके खुद पे एप्लीकेशन की थी इस तरीके का, जब नॉर्मली हम लोग मेहंदी लगाते हैं ना, तो हमको हल्का सा सर पे जो हमारी स्किन होती है उसमें हमें हल्का सा ठंडक फील होता है। लेकिन इस तरीके का प्रिपरेशन आप करिए और अप्लाई करिए हिना को अपने बालों में, आप बिल्कुल जो ठंडक आपको फील नहीं होगी सर पे, ये गारंटी है मेरी। तो चलिए, लंबा हो जाता है वीडियो, देखते हैं कि हमें इन क्या क्या चीज़ें चाहिए और कैसे इस जो भी हमारा ये प्रिपरेशन है हिना का, इसको कैसे रेडी करना है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस हिना प्रिपरेशन के लिए आप सबसे पहले लेंगे एक बड़े साइज का बीटरूट, और बीटरूट का छिलका बिल्कुल नहीं निकालना है आपको, इसे आपको वॉश करके ऐसे ही लेना है। बीटरूट हम सब जानते हैं कि बीटरूट हमारी हिना को एक अच्छा सा डार्क कलर देने में अपने आप में पूरे तरीके से सक्षम है, और ये बालों को शाइन और हमारे बालों की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। फिर इसके बाद आप लेंगे एक लोहे की कढ़ाई, और अगर लोहे की कढ़ाई ना हो तो आप कोई दूसरी कढ़ाई भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए लोहे की कढ़ाई मिल जाए, क्योंकि इससे हमें एक आयरन कंटेंट जो होता है वो भी मिलता है, जो हमारे बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। फिर आप लेंगे 2 बड़े गिलास पानी, जब वो पानी अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद उसमें डाल दीजिए जो हमने कट करके बीटरूट
रखे हैं। इसके बाद हम ऐड करेंगे मैजिक थिंग, यहाँ पे डालेंगे 2 बड़े चम्मच मेथी दाना। इसकी तासीर बहुत ही गर्म होती है और इसके गुणों से हम सब वाकिफ़ हैं कि ये हमें हमारे फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ देने में, इसको मजबूत करने में, हमें हेयर लॉस हमारा प्रिवेंट करती है, हमारे बालों को एक शाइन ऐड ऑन करती है। हमारे बालों अगर आपके झड़ गए हैं तो उनको भी रीग्रोथ में, उनको भी अच्छे से मेथी दाने प्रमोट करते हैं। और सबसे बड़ी इसकी तासीर बहुत ही गर्म होती है मेथी की। इसके बाद ऐड करेंगे हम यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच चाय पत्ती का। चाय पत्ती का की जो तासीर होती है वो भी होती है गर्म, और साथ साथ ये आपके बालों को भी एक अच्छा सा कलर देती है। इसके बाद ऐड यहाँ पे करिए कम से कम 10 से 11 लौंग। लौंग की जो तासीर है वो भी बहुत गर्म होती है और ये आप एक डार्कर शेड हमारी हिना में देने में ये भी पूरा अपना योगदान देती है। इसके बाद जब ये अच्छे से पक जाए, ये पानी में पूरी चीज़ें उबल जाएं और जब आपका आधा ग्लास पानी रिड्यूस हो जाए, लगभग 1.5 गिलास तक बचे, तो इसको आप अच्छे से छान लीजिए। फिर इसके बाद जो भी आप हिना लगाते हैं बालों में, ले लीजिए हिना पाउडर। यूज़ यहाँ पे भी यूज़ करिए, लोहे के बर्तन में ही लीजिए हिना। फिर ये जो हमें अमृत वाला पानी मिला है हमारी मेहंदी के लिए, उससे ये सारा आप हिना को भिगोइए अच्छे से और अच्छे से ढक के इसको रात भर के लिए छोड़ दीजिए। और दूसरे दिन सुबह फिर से आपको लेनी है लोहे की कढ़ाई, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच आंवला पाउडर। चमत्कार तो अब यहीं से स्टार्ट है इसका। अभी तक जो था वो हमने सीखा कि आपके बिल्कुल आपको सर्दियों में वो जो है, अब ये हम जो उपाय यहाँ पे कर रहे हैं ये आपको एकदम मरूनिश ब्लैक कलर देने का उपाय है, और आपके अगर बाल झड़ते हैं तो उसका कारगर उपाय है। लोहे की कढ़ाई जब गर्म हो जाए अच्छे से, तो यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैंने डाल ले लिए थे आंवला पाउडर। आंवला पाउडर को इतना भूनना है कि वो देखिए इस तरीके से पूरा काला हो जाए, एक तरीके की ये डाई बन गई है, हर्बल डाई, जो आपके बालों को कलर भी देगा और आपके बालों में शाइन भी ऐड करेगा, झड़ते हैं उसे भी ये चीज़ प्रिवेंट करती है। यकीन मानिए एक एप्लीकेशन के बाद आपको अगर आपके हेयर लॉस हो रहे हैं तो वो उसमें भी अंतर पता चलेगा। फिर ये जो हमारा पाउडर आंवला पाउडर ब्लैक हो गया, इसको हम ऐड कर देंगे मॉर्निंग में अपने जो हिना का, जो हिना हमने रात भर छोड़ी है उसमें, और फिर इसको हम छोड़ देंगे लगभग 3 घंटे के लिए। और यहाँ पे देखिए अगर आपको हिना गाढ़ी लगे सुबह ये पाउडर ऐड करने में, तो रात में जो थोड़ा बहुत पानी बचता है उसे फेंकिएगा नहीं, उसे भी सुबह थोड़ा अगर यूज़ करने की ज़रूरत पड़े, आपको लगे बहुत थिक हो रही है मेहंदी तो आप ऐड कर लीजिए। फिर ये आंवला काला जो भुना आंवला पाउडर ऐड करने के बाद हम लोग 3 घंटे के लिए मॉर्निंग में छोड़ देंगे अपनी हिना को, और 3 घंटे बाद देखिए एकदम काला आपको जिस तरीके की डाई होती है, इस तरीके का ये आपका जो मिक्सचर है वो आपको मिलेगा। और ये देखिए हाथों में मरूनिश ब्लैक कलर फील कर पाएंगे, और इससे आप ऑरेंज कलर भूल जाइए। अब हिना जब भी आप यूज़ करते हैं आपको इससे मरूनिश ब्लैक कलर जो शाइन होती है वो मिलेगी बालों में। बालों को अच्छे से पार्टीशन करके ये हिना पूरे बालों में अप्लाई करिए, हो सके तो आप ग्लव्स पहन लीजिए क्योंकि हाथ थोड़े से कर, लेकिन मेरी आदत ऐसी ही है तो इसीलिए मैं ऐसे ही यूज़ करना पसंद करती हूँ, क्योंकि थोड़ा काम करने के बाद ये छूट भी जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर आप ठंड में सर्दियों के दिनों में 3 घंटे मेहंदी नहीं रख सकते हैं अपने बालों में, तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे रखने की कोशिश करिए, क्योंकि ये प्रिपरेशन आप इतनी मेहनत से तैयार कर रहे हैं ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल सके, वो कलर जो आप चाहते हैं। और यकीन मानिए इतनी सारी चीज़ें इसमें गर्म तासीर वाली गई हैं, आपको ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी, सर्दी जुकाम बिल्कुल नहीं पकड़ेगा, और एक बेस्ट मैजिकल कलर आपके बालों को मिलेगा कि लोग भी आपसे पूछेंगे कि हाँ भाई कौन सा कलर या शेड लगाया है आपने बालों में। आशा करती हूँ कि जो प्रिपरेशन हिना का मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है आप लोग को पक्का पसंद आया होगा, और आप लोग भी इसको पक्का ट्राई करेंगे, और रिजल्ट मिलने के बाद मेरे चैनल पे आके नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर करना मत भूलिएगा। आपको यहाँ पे सावधानी क्या क्या रखनी है, जब भी आप हिना वॉश करेंगे कोई भी कंडीशनर शैम्पू किसी भी तरीके का, चाहे वो केमिकल हो चाहे हर्बल हो, किसी भी तरीके का शैम्पू बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। नंबर 2, जिस दिन आप हिना वॉश करते हैं उसके बाद कोशिश करिएगा कि लाइट कलर के कपड़े ना पहने, क्योंकि जो हिना यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि जिस दिन हम हिना यूज़ करते हैं जो
पानी गिरता है बालों से वो ऑरेंजिश या जो भी कलर होता है उस कलर का होता है, तो आपके कपड़े खराब हो सकते हैं। नंबर 3, जिस दिन आप हिना वॉश करते हैं उस दिन रात में पक्का कोशिश करिएगा कि आप अपने बालों में अच्छी वाली ऑयलिंग करें, क्योंकि जो कलर आपको मिला है आपकी मेहनत से हिना से वो और डार्कर हो सके, वो एकदम से लॉक हो सके आपके बालों में। तो ऑयल पक्का मस्ट है, आप उस दिन पक्का लगाइए। और आशा करती हूँ कि ये प्रिपरेशन जो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है ये सीक्रेट, ये आप लोग पक्का ट्राई करेंगे। और चैनल को जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री कृष्ण।